नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका, जब्त होगी संपत्ति। यूएई सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर अब शिकंजा कफना शुरू कर दिया है। यूएई सरकार ने अपने वादे के मुताबिक दाऊद की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए हैं। एजेंसियों ने दाऊद की तमाम संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। न्यूज चैनलों की खबरों के अनुसार यह जानकारी यूएई के अधिकारियों ने भारत को दी है। दाऊद की 50 संपत्तियों की लिस्ट बनाई गई है। इस कार्रवाई के बाद दाऊद और उसकी गैंग को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। पुंछ में पाक की गोलीबारी, एक की मौत। पाकिस्तानी सैन्य बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम चौकियों और असैन्य इलाकों में भारी गोलीबारी की, जिसके बाद सेना ने भी उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। पुंछ के पुलिस अधीक्षक जेएफ जौहर ने बताया कि पुंछ में नियंत्रण रेखा के समीप रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत और एक अन्य घायल हो गया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि पाक सैन्य बलों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए रविवार को रात 11:30 बजे अग्रिम चौकियों पर मोर्टार रॉकेट चलित ग्रेनेड दागे। सांसद भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी से नाराज। आम आदमी पार्टी की पंजाब और हरियाणा इकाई के नेताओं में अरविंद केजरीवाल के प्रति असंतोष अब सामने आने लगा है। पहले आपने अपने 2 सांसदों को निलंबित कर दिया था, अब पंजाब के एक और सांसद भगवंत मान पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर भगवंत मान और निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। इस बातचीत में भगवंत मान भी पार्टी आलाकमान से खफा नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आवाज मान की है या नहीं। पाक आर्मी चीफ ने भारत को दी गीदड़ भभकी। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। इस बार खुद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी फौज छोटे और बड़े दोनों तरह के युद्ध के लिए तैयार है। जनरल शरीफ ने यह बयान पाकिस्तान में 1965 की जंग के 50 साल पूरे होने पर हुए एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर का भी जिक्र किया। शरीफ ने कहा कि कश्मीर का हल किए बिना इस क्षेत्र में शांति बहाल नहीं हो सकती। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।